महाराज जी सुबह जल्दी उठा, लेकिन जैसा रात में मन लग रहा है वैसा सुबह नहीं लग पा रहा है। क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है ना, आपका अभ्यास नहीं इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन महाराज जी लंबे समय तक ऐसा करके देखा तो परिवर्तन को समझ में नहीं आया। नहीं तुम कहिए नहीं, तुम्हारा परिवर्तन कैसी बात, तो अनुभव की बात है, तुम्हारे अनुभव गलत हो सकते हैं। अगर आप हम कह रहे 5 बजे उठे, जल पिया, इसके बाद थोड़ा टहले, थोड़े से 100-200 कदम सोच गए, इसके बाद व्यायाम आधा घंटा किया, 20 मिनट प्राणायाम किया, अब बैठ जाओ पढ़ने में, एकदम स्मृति नवीन, एकदम क्लियर। अब कितने समय तक प्रयास कर सकते हैं इसको? अरे जीवन भर प्रयास करना है, हम जीवन भर विद्यार्थी हैं, कोई पढ़ाई छूटेगी, कोई नौकरी मिलेगी, कोई किसानी, कुछ भी करेंगे, जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए सोने और जागने की, एक लिमिट। जैसे एक बहुत व्यस्त शरीर है उसके लिए 7 घंटे बहुत पर्याप्त है सोना, 6 घंटे वैसे पर्याप्त, पर 7 घंटे। अब जैसे अपने लोगों के तो 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 24 घंटे में 1.5 घंटे, 2 घंटे, अब जितनी कोटि का उपासना में प्रवेश है, और नहीं 5 घंटे या 5 के बाद फिर नहीं माना जाता कि तुम साधक पड़े सो रहे हो, ऐसे 5 घंटे आखिरी। पर जैसे किसान आदमी, व्यायाम किए हुए बहुत मेहनत करने वाला व्यापारी, 7 घंटे से ज्यादा नहीं रखा गया सोने के लिए। आप देखो फिर वही हमारी बात आती, दिनचर्या एक तेज लाती है, एक जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में शयन कर रहे हैं, फिर 9 बजे जो नहाना है वो एक ऐसे खिलवाड़ मात्र है। आप 5:45 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। पर अभ्यास अच्छा, सात्विक भोजन कुछ दिन अभ्यास। अब जैसे अपने लोग 1.5 या 2 घंटे एकदम फ्रेश, क्योंकि बचपन से अभ्यास किया, पूरा जीवन हो गया, अब उसमें 1.5-2 घंटे में आती है कि नहीं आती, कई कई दिन हो जाते हैं नींद नहीं आती। तो अभ्यास अगर किया जाए तो बहुत सुंदर दिनचर्या। हम तो कभी ये नहीं कह सकते कि सूर्य उदय हो रहा है आप सहन कर रहे हो, ये ठीक नहीं। कभी ऐसा हो जाए अचानक वो बात अलग, लेकिन दिनचर्या ऐसी आप 2:30 बजे तक जग रहे हैं, फिर इसके बाद आप, तो आपके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ेगा, आपकी बुद्धि में भी फर्क पड़ेगा, आपके तेज में भी फर्क पड़ेगा। आज हम बुद्धिमानी समझ रहे हैं धन कमाना, केवल भोगों को भोगना बुद्धिमानी समझ रहे हैं, यही बुद्धिमानी मानी जाती है। जैसे आके प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि हम ऐसों को तो जो मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं, और अपने मतलब टाइम से यही टाइम 11 बजे जगना, ऐसा खूब ऐश्वर्यवान है, खूब मौज मस्ती से रहे हैं, उनकी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, इसे तुम सुख मौज मस्ती समझ रहे हो। कुछ दिनों बाद शरीर छूटेगा, इसके बाद क्या रह गया, हर चीज यही रह जाएगी, ना तो तुम्हारे पास जितेंद्रियता है, ना भगवान नाम है, ना सत्य है, ना धर्म है, बचा क्या, आए किस लिए थे, मानव जीवन केवल इसी के लिए। तो जितना तुम्हें डनलप के गद्दे पर आनंद मिलता है ना, सुअर को कीचड़ में मिलता है, जितना तुम्हें अपनी भार्या पे, उतना उसको अपने संभोग में मिलता है, जितना तुम्हें अपने बच्चे प्यारे, उसको अपने बच्चे वैसे ही प्यारे, जितना तुम्हें सांसारिक सुख वो वैसे बिष्ठा, तुम्हें रबड़ी रसगुल्ला जैसे अच्छा लगता है उसको बिष्ठा, ये सब अच्छे लगते हैं, अंतर क्या रह गया, पशु में हमारे में अंतर क्या रह गया इतना। हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन, हमारा जीवन भागवतिक जीवन, समाज सेवी जीवन, तेजस्वी जीवन, भगवत प्रिय जीवन। तो पीछे वाले में यही हमने चर्चा की है, क्या हम इतने पढ़े लिखे, इतने बलवान बुद्धिमान सब बन रहे हैं, और जरा जरा सी बात में भाई भाई को मार रहा है, जरा सी बात में बूढ़े माता पिता को मार रहा है, ये बुद्धिमानी है, ये पढ़ाई लिखाई, ये डिग्रियां हैं, हैं? अरे विद्या विनयम ददाति, अपने माता पिता को भगवान समझकर उनकी आज्ञा, जो आज्ञा, ऐसा कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता के पैर रोज छूते हैं, साक्षात भगवान घर में बैठे हुए हैं और उनको अवहेलना, ये पढ़ाई हमें तो नहीं समझ में आ रही, क्योंकि विद्या का प्रभाव होता है विनयम ददाति, विनयशील, संयमी, जितेंद्री, धैर्यवान, वो तो बातें समझ में नहीं आ रही। क्यों अब आसुरी बुद्धि बढ़ रही है, जिसे कहते राक्षसी बुद्धि, माने मातु पिता नहीं देवा, आसुरी बुद्धि बढ़ रही, खान पान गलत हो रहे हैं, अब बच्चा
आए हो यहाँ इसलिए प्रश्न किया, इसलिए बता रहे कि अब कोई सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो आगे सुधरने के चांस ही नहीं रहेंगे। ऐसी बुद्धि बिगड़ती चली जा रही। शास्त्र आज्ञा करता है 11 बजे के पहले ही आहार हो जाना चाहिए, इसके बाद प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के बाद, रात्रि में कोई निशाचर थोड़ी हो आहार विहार। पर अगर ये सब बातें तो फिर समझ में नहीं आती। अब बुद्धि कितनी रह गई, भोग भोगो, खाओ पियो, मर जाओ, बस इतनी रह गई है। आप देखो ना, किसी प्रकार से धन आना चाहिए, वो इन किन प्रकार कैसे हो, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन सभ्यता, नम्रता, धर्म, सत्यता, पवित्रता एक लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। सुंदरता दिखाई देगी, बनावटी बाहर की, पवित्रता नहीं होगी। बुद्धि है, विवेक नहीं है, बहुत डिग्री है, लेकिन विनय और सभ्यता का लोप हो चुका है। ऐसे माता पिता से, बुजुर्गों से बात करते जैसे कोई पागल आदमी बात करता है, ऐसे अपने बुजुर्गों से ऐसी बात करो कि उनका हृदय लगे कि हमने खवा पिया के पढ़ा लिखा के बड़ा किया, तो कम से कम वचन से तो मृदु बोला जा रहा है, व्यवहार तो मृदु बहुत ही कम हो गया है। तो हमारी तो यही प्रार्थना है। आजकल के बच्चे और आप निश्चित समझो, ब्रह्म मुहूर्त के जगने वाले का एक अलग तेज होगा, अलग विवेक होगा, जो संयमी होगा वही उन्नति, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक, आप पक्का समझ लो। जिसमें संयम नहीं है वो न लौकिक उन्नति को प्राप्त होगा और न पारलौकिक उन्नति को प्राप्त होगा। ये जो बढ़ रहे ना गंदी बातें, वो सब जीवन को ह्रास करने वाली है। अब ये समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ना आहार शुद्ध है ना संग शुद्ध है। तो गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा, मन पचतई है अवसर बीते। अंतिम समय जब यहां से चलने का समय आता है, कोई नहीं होता, तब पछताना पड़ता है कि आए थे भगवान का भजन करके धर्म पूर्वक जीवन जीने के लिए और ये सब क्या कर बैठे। अब समय नहीं रह गया, इसलिए हमें लगता है राधा राधा राधा, और अच्छे आचरण करो, कोई व्यसन मत करो और कोशिश ऐसा करो। बिल्कुल महाराज जी, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे और व्यायाम जरूर करें, उससे जितेंद्रियता में सहयोग मिलता है। व्यायाम प्राणायाम से शरीर स्वस्थ, स्मृति एकदम पवित्र। वो तो बहुत दवाइयां और ये सब ऐसा चल गया, एक बार आप हम तुम्हें देख लें या एक बार आप हमें कोई बात बता दो, आप 10 वर्ष बाद पूछ लेना, वो बिल्कुल दिमाग में टेप हो जाती थी। अब तो मतलब बहुत, अब ये एलोपैथिक सिद्धांत से ही डायलिसिस और उसकी औषधियां, नहीं कभी हमने टेबलेट नहीं पाए पीछे। एक बार सुना दो केवल, कोई भी बात आप हमको बता दो, हमारे दिमाग में टेप हो जाएगी। पवित्र स्मृति, तो हम कहें 6 घंटे में जो तुम पकड़ रहे हो ना, 2 घंटे में काम पूरा कर लोगे, क्योंकि उतनी प्रवीणता आ जाएगी। तो इसलिए आहार शुद्ध रखो, अपनी दिनचर्या बढ़िया बना लो, तो जीवन भगवान की प्रसन्नता का हेतु बने। वो अगर प्रभु प्रसन्न है तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हमारा तो बस हृदय का भाव यही है जो हम आप लोगों को समय देते हैं कि किसी तरह आप ये समझ जाओ कि आप कितने अमूल्य समय को कहाँ नष्ट कर रहे हो। एक बार हम सत्संग में भी कहा, जैसे आप 50 वर्ष संपत्ति कमाए, 50 वर्ष का समय दे करके, अब आपकी आखिरी श्वास है और वही 50 वर्ष की संपत्ति पूरी दे के एक श्वास बढ़वा लीजिए, नहीं बढ़ेगी। मतलब आपने 50 वर्ष की श्वासें ऐसी जगह खर्चा की जो एक श्वास भी नहीं बढ़वा सकती, अब उन श्वासों की पूर्ति कैसे होगी। अगर राधा 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 बोले तो सब बन जाएगा, सब आनंद आ। थोड़ी देर भगवान नाम जप कर लिया तो हमारी बुद्धि पवित्र हो गई, अब उसे जिधर लगाओ, जिधर लगाओ, चाहे जिस कार्य में लगाओ, वो मंगल विधान करेगी। नहीं तो ऐसे ऐसे आचरण है कि फिर यहां ना जेल मिलेगी तो फिर नर्क मिलेगा, मान लो छुप गई बात तो फिर नर्क मिलेगा। हाँ, दंड तो अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान कह रहे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभ जी।